तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में आने वाली एक पिक्चर के बारे में हम जो है आज बात करेंगे। ये फिल्म का नाम है दसवीं। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक चीफ मिनिस्टर जिसको करप्शन के चार्जेस में जो है जेल हो जाता है और वो जेल में जाने से पहले अपने बीवी को जो है CM बना के जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई जेल में जाता है तो वहाँ पे रहने के लिए उसको जो है जेल का काम भी करना होता है और इसी काम से बचने के लिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर है पढ़ाई यानी वो अपनी जो छूटी हुई पढ़ाई उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और वो अपने चाहते हैं कि अपनी दसवीं वो जेल के अंदर पूरी कर ले क्योंकि ताकि इसी चक्कर में जो है जेल पे आने वाले जितने भी काम हैं वो उससे बच सके। लेकिन प्रॉब्लम्स जो है यहीं से अराइज होते हैं और धीरे धीरे जब वो पढ़ाई के अंदर आते जाते हैं तो उन्हें जो है सोशल प्रॉब्लम्स बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे उनको में आता है और वहीं से जो है पिक्चर का मेन एक्ट जो है शुरू होता है। पिक्चर 3 मुद्दों के ऊपर बात करता है जो अभी के टाइम पे बहुत कम पिक्चरें बना रही है या फिर दिखा रहा है। पहला है इतिहास को क्यों जानना चाहिए, कि बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें या फिर इवेंट्स को जो है एक अच्छे वे में दिखाया गया है जो देखने में सच में खूबसूरत है और ये हमें बताता है क्यों हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए। क्योंकि एक फेमस कोट है, अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो आप ही इतिहास बन जाएंगे। दूसरा जो मुद्दा ये पिक्चर उठाता है वो है एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है और ये पिक्चर उस एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाता है। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताया गया है वो है हाउ अल्टीमेट पावर करप्ट्स पीपल एंड मोस्टली पॉलिटिशियंस। हम देखते हैं कि अभी के टाइम पे पावर करने से बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो गलत काम करते हैं या फिर गलत पोजीशंस लेके अपना फ़ायदा उठाते हैं उसी हिसाब से। लेकिन ये दसवीं पिक्चर उसी सारे सिनेरियोस को एक अच्छे वे में हमें प्रेजेंट करता है और इस चीज़ों को जो है हमारे सामने लेके आता है। दसवीं दूसरी किसी पिक्चर की तरह मसाला पिक्चर नहीं है लेकिन एक होप है उन लोगों के लिए जो इसके लिए लड़ते हैं और इन सभी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये पिक्चर उनके लिए एक माइलस्टोन का काम करती है। वैसे एक कोई रिव्यू नहीं था, हमारे तरफ से एक छोटा सा कोशिश था ताकि एक अच्छी पिक्चर आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और आगे लोगों तक पहुंच सके। और देखते रहिए सिनेमा नॉइज़।